हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट नीतू बिष्ट एंड अ फैमिली ड्रामा, जो काफी महीनों से कंटिन्यू हो रहा है एंड दे आर स्टिल क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस ऑन द इंटरनेट। बीच में भी सॉ कि कैसे कृति रावत एंड सैंडी एक दूसरे को गोल्ड डिगर, बैंकक्रप्ट, ऐसी चीजें वगैरह ओपनली बोल रहे थे। पर अभी भम्मू एंड पाई, जो नीतू के इन लॉज हैं, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीजें की है वो भी एक्सपोज हो चुकी है। सी, इट वॉज वेरी एविडेंट दैट सैंडी एंड नीतू में ना कुछ तो इश्यूज है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट ये इशू बाहर नहीं आया था। व्लॉग्स में वगैरह वो कॉर्डियल थे, बट उसके बाद जब पाई एंड भम्मू स्टार्टेड इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स इन दिस ड्रामा एंड स्टार्टेड टेकिंग साइड्स, उसके बाद चीजें अगली होने लगी। क्योंकि अगर आप दो डॉटर इन लॉज को कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम्स होगा। दो सैंडी जो है वो होने वाली डॉटर इन लॉ है, स्टिल कंपैरिजन हो रहा था एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतू एंड लखन जो है ना वो अपनी फैमिली से अलग रहने लगे। बट बैड माउथिंग वाया व्लॉग्स वगैरह कभी उन्होंने ना अपने एंड से शुरू नहीं किया। दे नेवर इनिशिएटेड दिस। टॉन्ट मारना, इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट करना वाज समथिंग जो भम्मू की तरफ से इनिशिएट हुआ था। एंड मे बी भम्मू डिड ऑल दिस अननोइंगली। मे बी शी डिड नॉट नो कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी फैमिली इश्यूज को डिस्कस करोगे तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है एंड इमेंस अमाउंट में ना आपको हेट मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप अपने घर के बातों में ना ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आपको सुनने मिलेगा। एंड जैसे ही नीतू घर छोड़ के थोड़ा अलग रहने लगी ना, उसके बाद जिस वे से भम्मू यूज टू प्रेज सैंडी एंड हर फैमिली मेंबर्स, उससे ऐसा लगने लगा कि वो सैंडी की तारीफ से ज्यादा नीतू के लिए टॉन्ट्स है। जिसके बाद नीतू ने भी इंस्टा स्टोरीज वाया अपना साइड बताना शुरू कर दिया। दैट उसको सबसे ज्यादा हर्ट ये हो रहा था कि उसकी जो मदर है उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, इसलिए शी इज सो अपसेट एंड इसलिए डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं। अब ये पॉइंट तक ना इट वॉज भम्मू वर्सेस नीतू। नो वन इन द ऑडियंस न्यू कि एक्चुअल में कौन सच बोल रहा है, नीतू के मॉम के अगेंस्ट कुछ बोला भी गया है कि नहीं। क्योंकि भम्मू एंड पाई का हमेशा यही स्टेटमेंट रहा है कि नीतू की फैमिली के अगेंस्ट उन्होंने कुछ नहीं बोला है। पर रिसेंटली भम्मू के खुद के जो बच्चे हैं लखन एंड कृति रावत, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स देखने मिले हैं, विच इन अ वे कन्फर्म्स दैट नीतू की फैमिली को इंसल्ट किया गया था। जैसे लखन ने कॉन्वर्सेशन में हिंट्स ड्रॉप किए कि सबके पेरेंट्स की इज्जत होनी चाहिए। इट इज अ टू वे स्ट्रीट। अगर आप कपल हो तो आपकी वाइफ की इज्जत होनी चाहिए, वाइफ की फैमिली की इज्जत होनी चाहिए एंड ये जो चेंज है ना सोच में, वो सोसाइटी में आना चाहिए। मतलब क्यों मुझे बार बार घसीट के ला रहे हो? बस मैं नहीं चाहता कि यार सब लोग प्यार से रहें, भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ जो मेरे को अब लाइफ में समझ आ रही है वो ये कि इज्जत ना हमेशा टू वे होनी चाहिए, हमेशा। मतलब अगर आप कपल भी हो, आपकी आपकी वाइफ की भी इज्जत होनी चाहिए, आपकी वाइफ की फैमिली की भी इज्जत होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, है ना, टू वे। मतलब ये मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोग ऐसी विचारधारा को प्रमोट करते हैं कि हम क्योंकि एज में बड़े हैं तो हमारी इज्जत, बाकी किसी की इज्जत नहीं। यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना देखने में। तो कुछ चीज़ें शायद टाइम के साथ सोसाइटी में बदलाव आएंगे इन चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे हिंट्स में ही वो स्टॉकिंग, बट इवन एक कमेंट भी लखन की तरफ से देखने मिला जिसमें क्लियरली ही सेड दैट वो काफ़ी वक्त से ना ये सब चीज़ें अवॉइड कर रहा है, चुप रह रहा है। बट उसका, नीतू का नाम बार बार भम्मू एंड पाई ड्रैग करते रहते हैं। उसकी वाइफ की मदर को गालियां दी जा रही है, नीतू के परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं एंड और भी कई चीजें ही रिवील्ड। फिर लखन की जो बहन है ना कृति रावत, उसने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके काफी स्टेटमेंट्स दिए। वो ऐसे मामलों में ना बहुत ब्लंट है, वो शुगर कोट करके चीजें नहीं बताती। एक कॉमेंट में शी सेड कि कई चीजें ऑडियंस को नहीं पता कि कैसे भम्मू नीतू की मॉम को इंसल्ट करती थी, डिग्रेड करती थी। तो इट इज प्रीटी क्लियर कि यही सारे बिहेवियर की वजह से इश्यूज होने लगे। बीच में एक रूमर ये भी था कि भम्मू एंड पाई को ना ये नहीं पसंद कि नीतू बेस्ट अपने घर पे ज्यादा टाइम बिताती है, अपनी मदर एंड बहन को सपोर्ट कर रही है एंड बिकॉज नीतू को लगा कि उसकी मदर को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उसके परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हेंस शी डिसाइडेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ। एंड लखन समवेयर रियलाइज्ड कि उसके पेरेंट्स का बिहेवियर यहाँ पे गलत है, कुछ ज्यादा ही वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हेंस ही सपोर्टेड हिज वाइफ। अब ये सारी बातें अगर इंटरनेट पर नहीं आती तो फैमिली के अंदर ही शायद आगे जाके रिजॉल्व हो जाता, बट ऑडियंस को व्लॉग वाया सब बताना है, इसके चक्कर में बातें बाहर आ गई और थोड़ा सा ना अभी ये चीजें अगली होने लगी है। बिकॉज रिसेंटली लखन ने कमेंट्स वाया ये रिवील किया, लोग पूछ रहे हैं कि किया कार की तरह है, कार की तो बात ही क्या, लोग तो शादी पर दुल्हन को ज्वेलरी देने का ड्रामा करके पूरी ज्वेलरी तक वापस रख लेते हैं। इवन लखन ने यह भी बताया कि नीतू के मायके से जो ज्वेलरी आई थी वो भी उन्होंने रख लिया है। जिसके बाद अर्जुन रावत का यहाँ पे रिस्पॉन्स आया सेइंग दैट कि मायके वाले कुछ देने की पोजीशन में होते हैं तो उनको भी उनके रिलेटिव्स को लेकर जो एयर कंडीशनर बस भेजी थी उसका किराया भी मैंने दिया था। जिस पे लखन क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि शादी का आधा खर्चा उन्होंने दिया था, किसको बेवकूफ बना रहे हो। एंड देन ही इवन रोड के मायके वाले जिस भी पोजीशन में थे कम से कम हाथ तो नहीं फैलाया, ना ही बेचारों ने बिजनेस में हिस्सा मांगा। मे बी दिस वॉज अ टॉन टू सैंडी। एनीवेज यहाँ पे ये नहीं बोला जा सकता कि भम्मू पाई की पूरी गलती है या लखन नीतू की पूरी गलती है, दोनों साइड से गलतियां हुई है।
पर पॉइंट इज कि ये जहाँ से शुरुआत हुआ था कि नीतू के फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अर्जुन रावत के ये कॉमेंट के बाद प्रूव हो चुका है दैट उनके मन में ऐसी बातें हैं। एंड और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो भम्मू एंड पाइना एक बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो कितना भी प्रॉब्लम हो वो फैमिली इशू है, एंड ऑफ द डे लखन उनका बेटा है, पर वो एक अगली गेम खेल रहे हैं जहाँ पे वो लखन के एनिमीज को ना प्रेज कर रहे हैं ये मोमेंट पे, जैसे कि मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। उनका लखन के साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हो चुका है, दोनों भी परिवार एक दूसरे से बात नहीं करता, लखन टॉकिंग टर्म्स में नहीं है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के साथ। तो ऐसे वक्त पे जस्ट बिकॉज भम्मू एंड पाई का लखन से झगड़ा चालू है तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के घर जाके उनको मिलेंगे। दैट इज एक्सट्रीमली स्पाइटफुल एंड अ लो ब्लो। लखन की यहाँ पे गलती ये है दैट वो ईडी वगैरह की जो बात कर रहा है ही शुडंट यूज इट लाइक दैट, उसके ही फादर है, तो ऐसी बातों की वजह से अर्जुन रावत अननेसेसरली में गेट इनटू ट्रबल। देन अर्जुन रावत रिसेंटली एक वीडियो में काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए, सेइंग दैट ही इज गेटिंग ओल्ड एंड डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। एंड लखन उनका ही बेटा है तो गुस्से में एट टाइम्स वो ज्यादा बोल देते हैं, बट वो अभी भी उससे प्यार करते हैं। तो इट इज अ वेरी सैड थिंग दैट पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू दिस, पर उनको भी ये समझना पड़ेगा कि रूट कॉज ऑफ दिस इशू इज कॉन्स्टेंट कंपैरिजन ऑफ डॉटर इन लॉस। थोड़ा झगड़ा हुआ नहीं कि बेटे के दुश्मनों को करीब लाना, देन बेटे को नीचा दिखाने के लिए स्ट्रेंजर्स थर्ड पर्सन को प्रेज करना, मायके वालों के अगेंस्ट बोलना, इससे चीजें ना और भी ज्यादा अगली होती रहेगी, क्योंकि आपके बच्चों की भी फीलिंग्स है जो आप हर्ट कर रहे हो। डॉटर इन लॉ के पेरेंट्स का भी तो एज हो गया ना, वाई टू हर्ट अदर्स। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज द प्रॉब्लम हियर। एंड ये जो पूरा फैमिली में कॉन्ट्रोवर्सी इनिशिएट हुआ है ना, वो ये वीडियो के बाद हुआ है। हमारे घर के लिए इतनी शुभ है और इतना उसके मतलब अच्छे पैर हमारे घर में पड़ रहे हैं, और मतलब ये देखा जाता है कि लड़की के पैर कैसे पड़ रहे हैं हमारे घर में, तो ये देखा जाता है कि उसमें संस्कार कितने अच्छे हैं और कितना मेरा ख्याल रखती है। मम्मी की तारीफ है कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी में कितने अच्छे संस्कार दिए। मतलब मम्मी पापा जो भी मेरा काम होंगे जो भी होगा, वो आज तक भी एक पैसा अपने पास नहीं रखता, सारे पैसे हमें देता, अपने पापा को देता। उसके वो जो प्यार करती है ना, वो रियल करती है, दिखाने वाला नहीं करती। जैसे बहुत लोगों में होता है ना, दिखावटी बस करते हैं, अभी शादी नहीं तो शादी से पहले बहुत मतलब केयरिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत वो करते हैं, और शादी के बाद में मुझे नहीं लग रहा वो शादी के बाद में भी बिल्कुल ऐसी रहेगी, शादी के बाद में बिल्कुल नहीं पलटेगी वो, मैं समझ रहा हूँ। जहाँ पे देवर प्रेजिंग सैंडी लाइक एनीथिंग, बट टाइमिंग वॉज वेरी ऑफ। वो फेज में ना ऑलरेडी नीतू वॉज अपसेट बिकॉज उसके मदर को ये लोग इंसल्ट कर रहे थे, एंड उसी वक्त दे डिसाइडेड टू पुट दिस वीडियो। तो यहाँ पे ये प्रेज से ज्यादा टॉन्ट लगा नीतू के लिए, उनका एक कॉन्डिसेंडिंग टोन था। एंड ऐसी जो छोटी छोटी चीजें भम्मू एंड पाई करते हैं ना, वो कितना प्रॉब्लमेटिक है, दे आर नॉट रियलाइजिंग इट, इससे सब पाइल अप हो रहा है। सेम कृति रावत के साथ भी ना बिहेवियर हुआ है, जिस वजह से वो खुद के पेरेंट्स के अगेंस्ट गई है। होता क्या है ना कि भम्मू के व्लॉग्स वगैरह देखने के बाद इनकी ऑडियंस कॉमेंट्स में पूछने लगी दैट कृति को ये लोग व्लॉग में क्यों नहीं लेते, वेयर इज शी। सैंडी एंड कृति का इतना बड़ा झगड़ा हुआ, स्टिल वो सैंडी का साइड ले रहे हैं, खुद की बेटी को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। एंड आप अपना लाइफ ऐसे जब इंटरनेट पे डाल रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि कई सवाल पूछे जाएंगे, बट जवाब देना है कि नहीं, कितने चीजों का जवाब देना है, क्या क्या बताना है, ये सब आप पे है। तो उस वक्त पे ऐसा लगा कि भम्मू के लिए ऑडियंस को प्रूव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, दैट वो अपनी बेटी को इम्पोर्टेंस देती है, पर कृति ही उन्हें इग्नोर कर रही है। व्लॉग्स में वगैरह पाई एंड भम्मू अपनी ऑडियंस को चैट्स दिखाने लगे कि कैसे वो उनकी बेटी को मैसेजेस करते हैं, बट वो देख ही नहीं रही, रिप्लाई नहीं दे रही। मतलब उसने बहुत सारे देखे हैं मैसेज, पर ये मैसेज नहीं देखा। और ये व्लॉग देखने के बाद उनकी जो ऑडियंस है वो कृति के पेज पे गई एंड वहाँ पे हेट देना शुरू कर दिया, सेइंग दैट कि व्हाई इज शी इग्नोरिंग हर पेरेंट्स। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो हियर, कि बेटी के साथ कुछ इशू हुआ है, वैसे वक्त में आप क्या करोगे? यू विल मेक श्योर ना कि बात करके फेस टू फेस क्लियर हो जाए। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि बेटी से बात करने से पहले लेट्स पुट ऑल दिस थिंग्स ऑन इंटरनेट, कि कैसे वो बुरी है, कैसे रिप्लाई नहीं दे रही। एंड ऑडियंस जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको जस्टिफिकेशन देते हैं। तो क्यों ऐसे वक्त पे भम्मू एंड पाई अपनी ऑडियंस का वैलिडेशन सीख करने के लिए पर्सनल चीजें इंटरनेट पे डाल रहे हैं? बिकॉज कृति नीतू एंड सैंडी के बीच में जो भी पहले झगड़ा हो रहा था वो इन तीनों के बीच में था। भम्मू एंड पाई शायद साइड्स नहीं लेते तो रिजॉल्व हो जाता। सी भम्मू जो है ना, मे बी एक ब्यूटीफुल सोल होगी। अगर आप उनके व्लॉग्स वगैरह देखोगे तो यू विल नोटिस कि वो हेल्प करती है लोगों की। ऐसे कई सारी जेस्टर्स उनकी फैमिली करती है टू हेल्प अदर पीपल, बट कहीं ना कहीं जब बात आती है थिंकिंग की, स्पेशली उनके डॉटर इन लॉस को लेके, तो उनकी सोचना सही नहीं लग रही। ये सेम ट्रेड जो है ना, वो बिग बॉस में विकी की मॉम भी दिखाती है। जस्ट बिकॉज आप लड़के के पेरेंट्स हो डजंट मीन कि आपको हक मिल जाता है कि आपकी बहू की फैमिली को अपनी इच्छा दिखाओगे या उनको डोमिनेट करने का ट्राई करोगे, जैसे विकी की मदर कर रही थी। अंकिता की मॉम को आग बढ़ा करके बोल रही थी कि ये सब बातें यहाँ पे मत निकालो। वो कुछ अच्छी भी चीजें बोल रही थी तो इंटरप्ट कर रही थी। देन विकी के डैड ने अंकिता की मॉम को कॉल करके ये पूछा कि क्या आप अपने पति को भी ऐसे चप्पलों से मारती थी। एंड दिस इज मेस्ड अप बिकॉज दे नो कि शी लॉस्ट हर हस्बैंड फ्यू मंथ्स बैक। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव। एंड विकी अंकिता दोनों की कहीं ना पूरे जर्नी में गलती रही है।
इट इज नॉट जस्ट दैट कि विकी की गलती रही है या अंकिता की गलती रही है, पर पॉइंट हियर इज विकीज पेरेंट्स आर बीइंग एक्सट्रीमली डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अंकिता'स मॉम। सोचो ऑन कैमरा वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, तो ऑफ कैमरा घर पे वगैरह कॉल करके क्या क्या बोला होगा। ये सब ना एक माइंडसेट दिखाता है कि कैसे दे फील कि वो अपनी डॉटर इन लॉ के फैमिली को कुछ भी बोल सकते हैं। एंड पहले के टाइम पे ना सास बहू का रिश्ता इन अवे ऐसे ही ग्लोरीफाई किया जाता था कि सास सुनाती रहेगी एंड बहू चुपचाप सुनती रहेगी। ये चीजों को काफी नॉर्मलाइज किया गया था, लड़कियों को चुप रहना सिखाया जाता था, कुछ भी हो कॉम्प्रोमाइज करो। बट अभी मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ दिस टॉक्सिक माइंडसेट। पर होता क्या है ना कि विकी की मॉम देन बाबू उनका सोच थोड़ा अलग है। वो जब डॉटर इन लॉ बन के आई होगी तो शायद ऐसे ही उन्होंने देखा रहेगा, जिस वजह से वो सेम पैटर्न आगे भी बढ़ाते जा रहे हैं। मे बी कमिंग जनरेशन ऐसा नहीं करेगा, वो साइकिल ब्रेक करेगा, बट इट विल टेक टाइम। एंड लखन को शायद क्लियरली ये फील हो रहा होगा दैट उसके जो पेरेंट्स हैं वो अननेसेसरली छोटी चीजों का बड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं, एंड इस वजह से उसने अपनी वाइफ का स्टैंड लिया। पर इस पे भी शायद भम्मू एंड पायना पूरा ब्लेम नीतू पे डाल दे कि नीतू ने उनके बेटे को अलग उनसे कर लिया। ऐसे ही होता है, खुद की गलतियों को ना कोई भी रियलाइज नहीं करता, दूसरों पे ब्लेम डालने के लिए सब रेडी रहते हैं। एंड चलो लखन जो है वो नीतू के प्यार में है तो शायद इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बोल रहा होगा, बट वॉट अबाउट कृति? वो तो आपकी डॉटर है ना, नीतू से ज्यादा वो तो आपके क्लोज होगी, फिर उसको किसने ब्रेन वॉश किया, वो क्यों आपके अगेंस्ट बात कर रही है? क्लियरली भम्मू एंड पाई को ना एक पॉइंट के बाद साइड लेना बंद करना पड़ेगा एंड फैमिली से फेवरेट्स चुनना उनको बंद करना चाहिए। जिसने ज्यादा बटरिंग किया वो फेवरेट हो गया, जो थोड़ा रियलिस्टिक वे से बिहेव करता है उसके संस्कार खराब हो गए। इसमें शायद ना सैंडी की कोई गलती नहीं होगी, पर क्योंकि भम्मू उसका साइड ले रही है तो हो सकता है लखन एंड नीतू इस वजह से उसे ना पसंद करने लगे। बट अगर ये लोग ऐसे ईगो में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे तो डैमेज जो है ना वो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। एंड इट इज एक्सट्रीमली वियर्ड कि कैसे दोनों भी साइड ना ये सब व्लॉग में डिस्कस कर रहे हैं। आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हो एंड आपकी फैन फॉलोइंग भी मिलियंस में है, तो हेट एंड क्रिटिसिज्म मिलने के चांसेस रहते ही रहते हैं। एंड वो हुआ भी, इनके सोशल मीडिया पेज पे इनको हेट मिलने लगा, जिस वजह से भम्मू एंड पाई को पुलिस कंप्लेंट करना पड़ा। इवन लखन एंड नीतू ने भी कंप्लेंट किया, जो हेट कमेंट्स कर रहे थे एंड थ्रेट्स भेज रहे थे उनके अगेंस्ट। एंड जब हेट मिल रहा था उसके बाद भी इनमें पेशेंस नहीं है कि चलो एक बार गलती हो गई इंटरनेट पे झगड़े के बारे में बात करके, आगे से लेट्स अवॉइड दिस, ये करने की जगह स्टिल दे कंटिन्यूड। तो कहीं ना कहीं इट इज क्लियर दैट यू आर लाइकिंग दिस कॉन्ट्रोवर्सी, यू वॉन्ट दिस अटेंशन। एंड जब ऐसा अटेंशन आपको मिलता है ना तो सिर्फ प्यार आपको नहीं मिलेगा, यू विल गेट क्रिटिसिज्म ऑल्सो, बट इनके केस में दे जस्ट वॉन्ट लव, नो क्रिटिसिज्म। दिस इज नॉट हाउ इंटरनेट फैंस ऑपरेट। एंड ये चीज सिर्फ भम्मू पाई के लिए नहीं है, इन अ वे इट सीम्स लाइक कि ये पूरी फैमिली ये कॉन्ट्रोवर्सी से बेनिफिट कर रही है, चाहे वो नीतू हो या उसके इन लॉज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डू लेट मी नो कि नीतू एंड उसके इन लॉज के बीच में जो भी हो रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।